नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। पमन गाँव वहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे रास्ते के ऊपर कांटे बिछाते हैं, वो लगाए हुए सब बच्चे उनको गढ़ते, हमको भी परेशानी पड़ती है। हम मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, बकरा बकरी चराता हूँ, मेरी भाई विकलांग है, वो झाड़ू झटका करके हमारे बाल बच्चे उनको पालन पोषण करते हैं। ये भाई ने जबरन वीडियो बना के ना मेरे को तीन रोज जेल में रखवाया। तो वो क्या मालूम सर क्या है, उनने खुद का उनका सरकारी में उनने बड़ा बड़ा के ना रास्ते में पूरे कांटे बिछा दिए। वो अनिल पिता गेंदालाल और भारती पिता का नाम, भारती का आदमी का नाम अनिल है। ये लोगों ने तो क्या कि आप लोग उसको मार रहे थे? नहीं साहब, मैंने कोई मारा करा कुछ नहीं। हमने वो पंचमी के रोज मेरे बच्चे ने क्या शराब वराब, उसका भाई का खुद का भाई था, उनने उनको मेरे बच्चों को पिला दी दारू, और उनने ऐसे झूठी इसमें कंप्लेन, वो वीडियो बना के झूठी इसमें कंप्लेन डाल दी। अब वो सब मेरे को 3 रोज की सजा हो गई, उसमें जमानत से छूटा सामने। उसके बाद सब अब मेरा जो कसूर तो नहीं था, उसके बाद भी इनने सजा मेरे से करवाई है, तो अब इसके खुद ही साहब आप देख के ना उसका निराकरण करें। वो वजह साहब रास्ते पे सही है, रास्ता जो है कि वो हमेशा के लिए काटे बिछाते, अगर नहीं अगर विश्वास हो साहब तो वहाँ की जगह मौके पे देख लो, देखे जाए कि किसके मकान, मेरा मकान बना हुआ बढ़ रहा है कि ये काटे बढ़ते डेली जा रहे हैं। उनका कहना है कि आप उनकी जगह पे कब्जा कर रहे हैं? नहीं साहब, मेरा कोई मकान वकान नहीं, उनकी कोई जमीन है, वो भी सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे साहब। उनके पास करीब 18 डिसमिल बोले हमने खरीदी है, तो उसके बाद ना तो कोई भरोती है, ना कोई लिखा पड़ी है, ना कुछ नहीं है, कच्चे कागज पे लिखा हुआ है सफेद कागज पे। और बोलता है कि मेरे बाप दादा की, मेरे बाप ने ली हुई खरीदी हुई जमीन, हमारे पास पट्टा भी है, भरोती भी है, सब इसका है। और बोलते कि ये बास तक का टेट हमारा है, वो मरगट की जमीन जो उधर है सब बच्चे अच्छे रखते हैं उसमें, वो जमीन तक भी पहुंच गया है, वो सामने वाले के खेत में भी पहुंच गया है, वो जो साइड में उसकी जमीन में भी तिरछा तिरछा करके बीच में से अंदर पूरा घुस गया है, वो उसकी जमीन की नप्ती करवाई दीजिए साहब, देख लीजिए कि ये बड़ा हुआ है कि मेरा मकान बड़ा हुआ है। आज क्या किया आपने? मैंने साहब कंप्लेंट लिखवा के एसपी साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, एसडीएम साहब को दिए। क्या चाहते हैं आप? हमको साहब रास्ता चाहिए, और ये हमेशा के कचकच से दूर कर दो सर, ये जो जितनी उसकी जमीन है साहब, उसकी जमीन पे वो कब्जा कितने भी करा करे, हमको कोई लेना देना नहीं, पर हमारा रास्ता क्लियर रखे। वो नाम है आपका पूरा? राजा राम चौहान, बमन गाँव।